हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर थ्री की और इसमें संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके प्राकृतिक रेशे होते हैं, नेचुरल जो फाइबर होते हैं, उनमें आपका कौन कौन सा होता है? कपास होता है, ऊन होता है और रेशम होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक क्यों इनको बोला जाता है? क्यों कहीं ना कहीं ये या तो पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी जो इनकी कैटेगरी है वो होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि आपके मतलब इस टाइप के रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनको संश्लेषित हिंदी में बोलते हैं या फिर मानव निर्मित रेशे भी इनको कहा जाता है। और एक आर्टिफिशियल रेशा क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है, पूरी कंप्लीट सीरीज इसकी बनाई जाती है। जैसे कोई फाइबर है तो उसमें मान लीजिए हम इस तरीके से रेशे इस तरीके से हम बना रहे हैं, तो एक इस कुछ यूनिफॉर्म उनका हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में हमेशा उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही, एक पर्टिकुलर यूनिट में उनको बनाया जाता है। छोटी छोटी यूनिट्स को अपन क्या करते हैं, बार बार रिपीट करके इनको बनाते हैं। ठीक है, और जो इसकी प्रत्येक छोटी यूनिट होती है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से रासायनिक पदार्थ इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और इनको कहा जाता है बहुलक, या अंग्रेजी में इनको कहा जाता है पॉलीमर। पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारे, अनेक। ठीक है, और मर का मतलब होता है भाग, मतलब पार्ट या छोटी सी इकाई। अब देखिए, संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में अगर बात करते हैं तो इनके जो टाइप्स हैं इनमें होते हैं, जैसे आपका एक रेयॉन होता है, एक नायलॉन होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी इनकी बनाई गई हैं और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इनके उपयोग भी होते हैं, किस तरीके से बनाए गए। जैसे आपका रेयॉन है तो रेयॉन की खोज चाइना में हुई थी, और जब इसकी खोज हुई थी तो इसको बहुत लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारा कपास है या जो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये काफी महंगे होते हैं। ठीक है, अब जैसे रेशम ही है हमारा, तो रेशम के रेशे से जो प्राप्त कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और इतना अवेलेबल भी नहीं होता है कि हम डेली यूज में, या जैसे आपके कपड़े होते हैं, कपड़े बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकें। ठीक है, लेकिन जब ये आपका रेयॉन की खोज करी गई तो इसने इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और जो कास्ट की लुगदी होती है, ठीक है, कास्ट की लुगदी के रासायनिक उपचार से इसको प्राप्त किया गया था, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन करके कास्ट की जो मतलब वुड पल्प होता है, एक्चुअली वुड पल्प, ठीक है, इस कुछ केमिकल रिएक्शन करके इसको बनाया गया था। इसको रेयॉन कहते हैं या कृत्रिम रेशम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये पूरा का पूरा प्राकृतिक स्रोत जो होता है आपका वुड पल्प, उससे प्राप्त किया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मानव निर्मित रेशा, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रेशम से बहुत ज्यादा सस्ता होता है और इसको रेशम मतलब रेशम की जो चीजें होती हैं उनसे इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके समान इसको बुना जा सकता है, इसको कई रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है, जैसे अब आप इसके उपयोग की बात करते हैं तो यहां पे देखिए आप एक गालीचा देख रहे हैं, ये सब चीजें हैं, जैसे आपके कपड़े भी इससे बना सकते हैं, आप रजाई कंबल टाइप की चीज देख रहे हैं, ये सब यहां इससे रेयॉन से बना सकते हैं। अब देखिए, रेयॉन में क्या करते हैं, हम कपास को मिलाते हैं, रेयॉन में कपास को मिला के बिस्तर की चादरें बनाते हैं, ऊन के साथ इसको मिला के हम कालीन या गलीचा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके उपयोग आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा होता है आपका नायलॉन। देखिए, नायलॉन तो एक ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को पता रहता है। देखिए, जैसे नायलॉन से रस्सी भी बनाई जा सकती है, आपके जो ब्रश होते हैं ये भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके सॉक्स होते हैं इनको भी बना सकते हैं, ये पर्दे देख रहे हैं आप। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पैराशूट्स है या जो इस पर क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सी यूज की जाती है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज की अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए, बड़ा मतलब प्रबल होता है, प्रबल मतलब होता है आपका स्ट्रांग होता है, प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ मतलब क्या हुआ आपका इलास्टिक, इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा होती है, और लाइट हल्का होता है। ठीक है, चमकीला भी होता है और धुल्ले में सबसे ज्यादा आसान होता है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो एक अन्य मानव निर्मित रेशा है और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल को यूज करके, मतलब कोई पौधे या जंतुओं से रिलेटेड कोई भी कच्चा माल अपन ने इसमें यूज नहीं किया है, फिर भी हम इसको बना सकते हैं, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल इसमें यूज नहीं किया है, पूरे तरीके से आपका संश्लेषित है, पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। जैसा कि आपका रेयॉन था, रेयॉन में कहीं ना कहीं हम वुड पल्प यूज कर रहे थे तो वो एक नेचुरल चीज थी। ठीक है, लेकिन यहां पे इसका निर्माण कैसे करा गया, कोयले से, जल से और वायु
से इनका केमिकल रिएक्शन करके इसका निर्माण करा गया। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। और यह है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, मतलब फर्स्ट पूरे तरीके से जिसको हम बोलना चाहिए आर्टिफिशियल रेशा है। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं कि कैसे क्या क्या इनके होते हैं और ये आपके उपयोग हो गए। आप यहां पे देख सकते हैं जैसे आपकी जुराबें होती हैं रस से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, मतलब ये सारी चीजें इससे हम बना सकते हैं। और सबसे अच्छा उपयोग इसका है पैराशूट, ये पूछा जा सकता है आपसे। और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी यूज करते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। और इसका जो तार होता है वो इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि इस्पात के तार से अधिक प्रबल होना मतलब इसका कितना यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की। तो देखिए पॉलिएस्टर भी एक संश्लेषित रेशा ही है, आर्टिफिशियल फाइबर ही है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ठीक है, यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज इनकी महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनके फिर आगे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन प्रमुख रूप से जो वस्त्र बनाए जाते हैं ठीक है उनके लिए सबसे उपयोगी पदार्थ है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी होता है। ठीक है, जैसे पॉलिएस्टर की कमीजें, अन्य परिधान, ये सब मतलब इससे बनाए जा सकते बनाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपका टेरिलीन हो गया। ठीक है, तो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ठीक है, और इसको बहुत महीन रेशों में भी खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु समान बुना भी जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। टेरिलिन क्या होता है? पॉलिएस्टर होता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से टेरिलिन क्या है। ठीक है, वो आपसे प्लास्टिक ऑप्शन रख सकते हैं, पॉलिएस्टर ऑप्शन रख सकते हैं, एक्रिलिक रख सकते हैं, इस तरीके से आपसे ऑप्शन रख सकते हैं। ऐसे ही एक और पॉलिएस्टर होता है पीईटी, पेट। ठीक है, ये भी एक होता है और इसका उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है बोतलों को बनाने में, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग करा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पेट। इसके बाद है पर आपका देखिए पॉलिएस्टर जो होता है पॉली और एस्टर दो से मिलके बना है आपका। ठीक है, और एक वास्तव में एक रसायन होता है जो एस्टर कहलाता है और एस्टर जो होता है इसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। मतलब हम इनको बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और एस्टर क्या होते हैं? एस्टर बे केमिकल्स होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक नेचुरल मटेरियल हो जाता है। फिर आपका जैसे जो कपड़े होते हैं पॉलीकॉट, पॉलीवोल, टेरिकॉट आदि नाम से बेचे जाते हैं। टेरिकॉट के आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, पॉलीकॉट या पॉलीवोल के बारे में कम सुना होगा, टेरिकॉट के बारे में तो हमने काफी सुना है। ठीक है, और इन ये बनते कैसे हैं एक्चुअली, इनको क्या करते हैं, दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाया जाता है। तो जैसे एक जैसे पॉलीकॉट हो गया तो इसमें एक आपका क्या होगा, पॉलिएस्टर होगा, और कॉट से क्या बन जाएगा आपका, कॉटन बन जाएगा। तो पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास, पॉलिएस्टर और कॉटन, इन दोनों का मिश्रण होता है। ऐसे ही आपका पॉलीवोल हो गया तो पॉलीवोल पॉलिएस्टर और आपका वोल ऊन का मिश्रण होता है। तो इस तरीके से इनको बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे आपका टेरिकॉट हो गया तो टेरिकॉट में अभी जैसे टेरिलिन आपने एक पढ़ा, टेरिलिन और कॉटन इन दोनों को मिला के इसको बनाया जाता है। तो ये आपके होते हैं। अब देखिए आप जब जो सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं या जो शॉल ओढ़ते हैं, जो कंबलों का उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, हमें ये कह के बेचा जाता है मार्केट में कि प्राकृतिक ऊन से है, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, ये ऊन के जैसा दिखाई तो देता है लेकिन ये बनाया जाता है एक्रिलिक से। ठीक है, किससे बनाया जाता है, एक्रिलिक से। तो ये सारी यूज अपने को पता होना जरूरी है। तो ये एक्रिलिक से बनाए जाते हैं और देखिए प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है डेफिनेटली, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, अलग अलग रंगों में भी उपलब्ध होती हैं। ये या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए सस्ता भी होता है, सुंदर भी होता है और टिकाऊ भी होता है। सिंपल सी बात है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए जो सभी संश्लेषित रेशे होते हैं वो पेट्रो रसायन से मतलब बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रक्रम द्वारा इनको तैयार किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इनको किससे बनाया जाता है। ठीक है ना, फिर है आपका संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। अब देखिए यहां पे एक वो दिया हुआ है, बच्चों की बुक्स हैं तो उसके हिसाब से इनको बनाया गया। जैसे आज वर्षा का दिन है तो किस प्रकार छाता का उपयोग लाएंगे, तो यार हम छाता ऐसा यूज करेंगे जिसके ऊपर पानी गिरे तो वो पानी अंदर ना आए। अगर आप कपड़े का छाता यूज करोगे तो उस पर बूंद गिरेगी, तेज बारिश होगी तो वो अंदर भी आएगा। तो इसको हमें एक ऐसे मटेरियल का यूज करना चाहिए जिसमें पानी इसके ऊपर गिरेगा तो वो पानी अंदर नहीं आएगा। दूसरा, ये जल्दी सूख जाए। ठीक है, और तो ये देखिए इनका सबसे चीप चीज होती है, जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं,
कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, पूरा मतलब इसका सार यही है कि इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब होता है आपका प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का यूज तो आपको पता ही होगा, कुर्सियां बनाने में, बाल्टी बनाने में, बच्चों के टॉयज बनाने में, ग्लास बनाने में, मतलब दुनिया भर की ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो प्लास्टिक से ही, अब जनरली जो हम डेली यूज करते हैं वो प्लास्टिक से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, और प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही होता है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है, और सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, इनमें जैसे कुछ की रेखीय होती है, लीनियर होती है, या कुछ की त्रयकबद्ध, क्रॉसबद्ध। ठीक है ना, तो मतलब अलग अलग तरीके से इनको हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, और अलग अलग साइज में हम प्लास्टिक को बना सकते हैं, इनको मोल्ड भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनका क्लासिफिकेशन भी इसी के हिसाब से आगे किया जाता है। अब देखिए, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और इनको आसानी से सांचे में भी ढाला जा सकता है, मतलब इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो ये इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी चीज, इनको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, पुनःचक्रण हो सकता है, पुनः प्रयुक्त भी किया जा सकता है रिसाइकिल करने के बाद। इसको रंगा भी जा सकता है, पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेलकर चद्रों में भी बदला जा सकता है, इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, इसलिए इसके सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको पॉलीथिन है, पॉलीथिन आपका प्लास्टिक से ही बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथिन थैलियां बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब देखिए, जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं उनको हम मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सरलता पूर्वक इनको मोड़ा जा सकता है, जबकि कुछ मोड़ने पर, बल लगाने पर टूट जाती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं यहां पे, जैसे स्विचेस हैं जो स्विच बनाते हैं, या आप ये प्लेट्स बनाते हैं, इनको अगर आप मोड़ोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। या ये कुकर का हत्था है, इसको भी अगर आप मोड़ोगे या इसके ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे, प्रेस लगाओगे, तो ये टूट जाते हैं। जबकि ये जो बाल्टी है आपकी, या ये आपके जो वायर्स हैं, इनके ऊपर आप कितना भी फोर्स लगाओगे तो ये थोड़ा बहुत चटक जरूर सकती हैं, लेकिन इनके तरीके से टूट नहीं सकती हैं, जैसे ये आपके टूट जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के हिसाब से फिर इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम एक प्लास्टिक की बोतल में अगर गर्म जल डालते हैं तो वो क्या होती है, विकृत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, इसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। थर्मो से क्या हो गया, आपका टेम्परेचर। ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर से ये डिफॉर्म हो जाता है, इसको हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपका पॉलीथिन हो गया, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। पीवीसी हो गया आपका, ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। और इनका उपयोग कहां करा जाता है, खिलौने में, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु इनका उपयोग किया जाता है थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, ये सारे आप यूजेस इनके देख सकते हैं यहां पे। जैसे बाल्टी बनाई है आपने, तो ये भी आपकी इसी से बनाई गई है। ठीक है, दूसरे कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें अगर एक बार किसी सांचे में ढाल दिया जाए तो इनको ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे आपका स्विचेस में इनका यूज हो रहा है, एक कुकर के हत्ते बनाने में इनका उपयोग हो रहा है। ये क्यों उपयोग हो रहा है, क्योंकि इनको टेम्परेचर से कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर आप इनको दे दोगे तो बात अलग है। ठीक है, तो एक इनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, इसको कैसे याद करना है, टेम्परेचर से सेटिंग बना लेते हैं, टेम्परेचर से सेटिंग बना लेते हैं, तो आप समझ गए होगे। ठीक है, इनके दो उदाहरण है, एक होता है आपका बैकलाइट और एक होता है आपका मेलामाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो बैकलाइट होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होगा तो इससे हम जनरली क्या बनाएंगे, स्विच या विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाएंगे। ठीक है, और मेलामाइन भी आपका एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, और यह आग प्रतिरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमताएं रखता है। अब देखिए, जो आपने फायर ब्रिगेड देखी होगी, तो वो लोग जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जब आग बुझाने के लिए जाते हैं, तो उनके कपड़ों के ऊपर इसी मेलामाइन की एक परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो ये मेलामाइन की परत चढ़ाने से क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को सह सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, और इससे आपकी जो फर्श की टाइलें होती हैं, रसोई के बर्तन होते हैं, कपड़े बनाने के उपयोग में भी इसको लाया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, तो कपड़े जैसे आपके जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, बोए वाले कपड़े उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये विकल्प पदार्थ है प्लास्टिक। हर चीज का विकल्प है प्लास्टिक, क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है, सबसे हल्का होता है और
किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है, ठीक है, और ज्यादा लंबे टाइम तक भी चलता है। जैसे आपने पॉलीथिन के बारे में सुना होगा, पॉलीथिन क्या होती है, पॉलीथिन अगर आप एक जमीन में गाड़ भी दोगे और उसको 10 साल बाद निकालोगे ना, तो उसमें से पॉलीथिन ही निकलती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, मतलब इसको कई सैकड़ों साल लग जाते हैं, ये मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है और ये इसका एक, जिसको हमें बोलना चाहिए कि एक इसका बुरा गुण भी है, वो एक अच्छा गुण भी है, ठीक है। अब जैसे कोई भी खाद्य सामग्री होती है, इनका हम संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं हम, इसलिए करते हैं क्योंकि इनका भार हल्का होता है, कम कीमत होती है, सामर्थ्य इनका अच्छा होता है और उपयोग में आसानी होती है, ठीक है। अब इस जगह अगर आप एक धातु का बर्तन यूज करोगे तो भारी होगा, उसको उठाने में कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये इनके सबसे अच्छे गुण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कारों में भी प्लास्टिक का उपयोग करा जाता है, इवन वायुयानों में या अंतरिक्षयानों में भी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं क्योंकि ये सबसे हल्का होता है, ठीक है। तो ये इसके प्लास्टिक के बारे में तो खैर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इनकी बस एक प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए कि जैसे आपका जो प्लास्टिक है वो मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अनभिक्रियाशील है, ठीक है। तो जैसे अगर आप धातु को रख दोगे, जैसे आप कॉपर को अगर रख दोगे वायु में खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे लोहा होता है, तो लोहे को आप छोड़ दोगे तो लोहा में क्या रस्ट लगने लगती है, जंग लगने लगती है, ठीक है। जबकि प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब जल और नमी, जल और वायु, इनके साथ इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका संक्षारण या इनका कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। हल्का होता है तो ये प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको डिटेल में बताने की जरूरत इसमें नहीं है। घरेलू कार्यों में इसका उपयोग करा जाता है, कुचालक होता है। अब चूंकि ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है, ये एक्चुअली अलग अलग प्लास्टिक जो आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक मैंने बताया उसके हिसाब से है, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। ऊष्मा के कई ऐसे होते हैं जो ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इससे ही बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, जैसे प्लास्टिक का जो स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है, कहाँ उपात, जैसे आपकी दवा की जो गोलियां होती हैं या टिकियों को पैक करने हेतु, मतलब जो आपकी दवाइयों के रैपर्स बने होते हैं वो हम इससे यूज करते हैं, घावों को सीने हेतु, मतलब जो धागा यूज करते हैं वो भी आपका प्लास्टिक का बना होता है, सिरिंज भी इससे बनी होती है, और जो आपके डॉक्टर्स जो दस्ताने पहनते हैं वो भी बनते हैं। इसके अलावा कई चिकित्सीय यंत्र भी होते हैं जो इसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक ही जनरली इसमें यूज करा जाता है। मतलब आप मेडिकल लाइन में ज्यादातर चीजें अगर देखोगे तो वो प्लास्टिक की ही बनाई जाती हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके दस्ताने किस मटीरियल के बनते हैं। चार ऑप्शन होंगे, रेयन होगा और आपका प्लास्टिक होगा, ठीक है, एक्रिलिक होगा, ठीक है, और नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके के क्वेश्चन व्यापम डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब देखिए, माइक्रोवेव ओवन है आपका, तो माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें नॉर्मल जो आपके प्लास्टिक होता है वो अगर आप रख दोगे तो वो उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है उसमें जो ऊष्मा होती है वो खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। अब देखो, हीट तो वो हो ही रहा है, अगर उसमें कुछ ऐसा वैसा बर्तन अगर रख दोगे प्लास्टिक का तो वो पिघल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा एक टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक ही होता है, इस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए भोजन पकाने के जो पात्र होते हैं उन पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम में इसका यूज करा जाता है, ठीक है, ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अग्निशय प्लास्टिक, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मेलामाइन की प्लास्टिक की परत इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इससे वो अग्निरोधक या ऊष्मरोधक बन जाती है। अब देखिए, प्लास्टिक और पर्यावरण, तो जैसा प्लास्टिक है ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जैसे अगर हम मटेरियल्स यूज करते हैं तो कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे आपके आप फल लाते हो तो फल के जो छिलके होते हैं आप उनको जमीन में फेंक देते हो, अगर वो एक जगह जमीन में पड़े रहे तो 15-20 दिन बाद अगर आप उसको जाकर देखोगे तो वो पूरी तरीके से मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं पूरे तरीके से। लेकिन जो आपका प्लास्टिक होता है, ठीक है, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब उसको सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, इसलिए पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा घातक है। अब जैसे देखिए, घरों में जो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है, तो प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है,
ठीक है, क्योंकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव निम्नीकरण मतलब क्या हुआ, निम्नीकरण कर रहे हैं उसका। निम्नीकरण मतलब जैसे अपने को किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे किसी चीज को खत्म कर रहे हैं। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं बायो डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, जिनका आसानी से विघटन नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल, नॉन बायो डिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये दो आपके होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है जो डिकम्पोज होने में, विघटित होने में कई साल ले लेता है। ठीक है, सैकड़ों साल तक ये ले सकता है, इसलिए पर्यावरण हितैषी नहीं है। दूसरी चीज, जब इनको जलाया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक को या कोई भी संश्लेषित रेशा होता है उसको अगर आप जलाते हैं तो उसको जलने में लंबा समय लगता है और भारी मात्रा में विषैली गैस भी उत्सर्जित करके पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और दूसरी चीज, इसको आप जलाओगे तो भी कुछ ना कुछ इसमें से बचता जरूर है, पूरे पूरे, जैसे आप अगर कागज को जलाओगे तो उसमें से हल्का सा कोयला बचेगा, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा कोयला बचेगा, लेकिन अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो बहुत सारा कोयला उसमें बचेगा, मतलब ये पूरी तरीके से जलता भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके अलावा इसको मतलब रिसाइकिल करना सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। प्लास्टिक आपके घर में है तो आप उसका यूज हो गया है तो आप उसको, जैसे आप बॉटल्स यूज करते हो तो बॉटल्स पर लिखा रहता है क्रश द बॉटल आफ्टर द यूज, इनको हमेशा आप डस्टबिन में फेंकें। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो उनको डस्टबिन में जरूर फेंकें, क्योंकि वहां से वो पहुंच जाते हैं रिसाइकिल होने के लिए, उनको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आप उधर उधर उनको जमीन में कभी भी प्लास्टिक की कोई भी पॉलीथिन तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए, इनको एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखना जरूरी है। एक तो रिड्यूस मतलब इसका उपयोग कम करिए, रीयूज इसको रीयूज करिए, और रिसाइकिल इसको चक्रित करिए मतलब रिसाइकिल करिए, और रिकवर और पुनः प्राप्त करिए। ये 4R प्रिंसिपल हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली व्यापम इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कुछ अपशिष्ट के प्रकार हैं और इनको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में और ये टाइप किस टाइप में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, जैसे आपकी सब्जी फलों के छिलके बचा हुआ भोजन ये सब होता है, 1 से 2 सप्ताह में मतलब 7 से 15 दिन में ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका बायोडिग्रेडेबल। कागज हो गया, सूती कपड़ा हो गया आपका, लकड़ी ऊनी वस्त्र, सारे क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, कागज को 10 से 30 दिन लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, इसको 2 से 5 माह लग जाते हैं, लकड़ी को 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लग जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के जो डब्बे होते हैं उनको 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। मतलब ये क्या आ जाएगा, जैव अनिम्नीकरणीय, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसके अलावा जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं इनको कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि कई बार जो कुछ पशु होते हैं आप कचड़े में पॉलीथिन फेंक देते हो, वो पशु गाय स्पेशली जो गाय होती हैं वो उनको खा लेती हैं, तो गायों के खाने से क्या होता है, उनका जो श्वसन तंत्र में कंठरूद उत्पन्न हो जाता है, ये फंस जाती हैं उनकी श्वसन तंत्र में। ठीक है, और आमाशय में भी एक अस्तर ये बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इनसे उन पशुओं की मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई आएगी, अब आमाशय में ये सब आएंगे तो वो भोजन नहीं पचा पाएंगे, भोजन नहीं पचा पाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।